बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। MGMT 617 असाइनमेंट नंबर 01, इसमें कुछ दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इस पर इसरार किया कि इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दें, तो आई थिंक इसकी लास्ट डेट है, तो इसको आप, मैं शॉर्ट सी एक सी वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट सी, तो इसको एक दफ़ा आप रीड आउट कर ले। जो इसके अंदर मेन है, जो इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे दिया हुआ है, वो दा कि और द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ कलरफुल रेनबो एंड कंफर्टेबल शूज़ ऑफ 12,000। ठीक है, 12,000 का उन्होंने ऑर्डर दिया है, यूनिट्स है क्वार्टरली एट आ प्राइसिस के अंदर। क्वार्टरली को आपने जेन में रखना है, वो क्वार्टरली कह रहे हैं कि साल के चौथे हिस्से में उन्होंने ऑर्डर दिया है, एट अ प्राइस ऑफ 2,500 पर यूनिट के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर दिया है। इट्स कैरिंग कॉस्ट जो 18% है, एंड द ऑर्डर कॉस्ट इज़ 1,500, 15,000 पर ऑर्डर की इसके ऊपर कॉस्ट है। तो उन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने पूछी है कि इकोनॉमिकली आपका जो ऑर्डर क्वान्टिटी है वो क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट नीडेड टू बी प्लेस्ड, कितने आपको नंबर्स जो है ना वो ऑर्डर करने पड़ेंगे। ये दो क्वेश्चन हैं, मैंने अपने हिसाब से ट्राई की है। लाजमी नहीं कि जो ये सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट होगा, हो सकता है इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स भी हो सकती है। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने सोल्यूशन बना दिया है, तो आप इसको रिव्यू कर लें, रीचेक करने के बाद आपको मेल कीजिएगा। तो इसके अंदर जो मैंने हैंडआउट्स के अंदर से स्टडी किया है, ये हैंडआउट्स है पेज नंबर 41, यहाँ से मैंने इसको स्टडी किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर इसको सॉल्व किया है। तो उसमें था कि जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, व्हाट शुड बी द मोस्ट इकोनॉमिकली ऑर्डर क्वांटिटी बाय अल्डो, उसके हिसाब से जो था ना उसके अंदर। तो यहाँ पे एक फार्मूला है मेरे पास, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये क्यू इक्वल है 2DS/IC अंडर रूट। ठीक है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं 2DS/IC, ये किसको शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता, क्यू जो है ना बेसिकली वो QEOQ को शो कर रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे सिर्फ क्यू लिखा हुआ है ना, वो इक्वल है EOQ के। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे मतलब डिमांड को, एनुअली डिमांड है जो भी, अब क्वार्टरली डिमांड को बेसिकली शो कर रहा है। जो एस है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमारा पर ऑर्डर कॉस्ट हम कर रहे हैं ना, पर ऑर्डर पे जितनी हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे 1,500 इन्होंने दी हुई है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके ऊपर आ जाता है जी इन्वेंट्री, आई है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, जो हमारी परसेंटेज जितनी हमने इसके ऊपर कॉस्ट आनी है, हमारी कॉस्ट कैरिंग जो हमारे पास लेके आना है, जो हमने इसको इन्वेंट्री के अंदर इंटर करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है वो यहाँ पे उसने मैंशन की हुई है। फिर सी कहते हैं यूनिट कॉस्ट, हमारे पास जो है ना यूनिट कॉस्ट हमारे पास ये वाली यहाँ पे दी हुई है, पर यूनिट कॉस्ट में 2,500 पड़ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था क्वार्टरली डिमांड हमारी है ना 12,000 है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो डिमांड है ना वो है क्वार्टरली। ठीक है, ये वाली है यूनिट्स क्वार्टरली 12,000 वहाँ पे डिमांड है। तो मोस्टली जो फार्मूले के अंदर एनुअली यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको एनुअली अगर डिमांड हम 12,000, वो 3 महीनों के अंदर 12,000 डिमांड कर रहा है क्वार्टरली के हिसाब से, तो एनुअली अगर बनाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी 48,000। ठीक है, 48,000 भी हमारी जो है ना टोटल यूनिट्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाता है जी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, वो हमारे 1,500 पड़ रही है पर ऑर्डर पे, जो हमारी कॉस्ट 1,500 है, कॉस्ट पर यूनिट हमें 2,500 कह रहा है, अगर 12,000 हम करते हैं तो हमें क्वार्टरली 2,500 हमें पर यूनिट बनती है। तो उसके अंदर हम अगर एंट्री करते हैं इसको 2DS और आई टू हमारे पास आगे फार्मूले वाला, डी हमारे पास था जो क्वार्टरली को मैंने एनुअली में कन्वर्ट कर दिया, 48,000 आ गया। ठीक है, तो सी हमारे पास जो थी इसके ऊपर कॉस्ट पर ऑर्डर वो आ गया, डिवाइडेड बाय 18 को अगर परसेंटेज को मैं डिवाइडेड बाय 100 से करूँगा तो 0.18 आ जाएगा, तो इसी तरह मल्टीप्लाई 2,500 हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एक फिगर आ जाएगा, और ये बनता है मेरे पास तकरीबन 144,000,000 डिवाइडेड बाय 450। ठीक है, तो इसको मैं जब इस पे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 320,000, इसका जब अंडर रूट लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है जी क्यू आ गया हमारे पास, ये आ गया 565 या 500 आप इसको कह सकते हैं, 66 भी कह सकते हैं, तो क्यू इक्वल आ जाएगा हमारे पास, क्यू की जगह हम लिखें क्योंकि क्यू इक्वल है इसके EOQ के, EOQ, तो हमारे पास आ जाएगा जी क्यू इक्वल
5 6 6 इसको मैं राउंड फिगर में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक मैंने इसको यहाँ तक हल कर दिया है। दूसरा सिनेरियो में कह रहा था कि आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर नीडेड, कितने नंबर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे मुताबिक जो मैंने इस पे स्टडी किया है वो मुझे लग रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर दैट आर नीडेड टू बी प्लेस्ड, वो हमारे पास अगर क्वार्टरली वो कह रहा है 12,000 है हमारे पास, तो टोटल एनुअली उसके पास जितने ऑर्डर होंगे मल्टीप्लाई 4 कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो ऑर्डर है ना वो 48,000 होंगे। क्वार्टरली उसने 12,000 किए ना, तो एनुअली वो 48,000 ऑटोमेटिकली करेगा। जो हमारे पास ये फिगर आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर दैट आर नीडेड टू बी प्लेस्ड, जो 48,000 नंबर हैं जो हमें प्लेस करने की ज़रूरत है। तो जो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है ये लाजमी नहीं कि 100% श्योर हो। मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको भी क्रॉस चेक करवा लें, देन आप इसको इंस्ट्रक्टर को मेल करें। मैंने अपने तौर पे स्टडी किया है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हैंड आउट का पेज नंबर 41 है, वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में उन्होंने दिया हुआ है विद एग्जाम्पल्स, तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैंने पहले सॉल्व किया है, करने के बाद फिर मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाल के आपको दिया। हो सकता है इसके अंदर गलती हो सकती है, हो सकता है टोटल का टोटल जो मैंने ड्रा किया है ये भी रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मैंने एनुअली बना के इसके ऊपर मैंने वर्किंग, क्योंकि इसके अंदर वो एनुअली की ही बात कर रहा है, क्वार्टरली की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद आप मेल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।